नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि विभाग ने लॉन्च किया ई निरोग ऐप, फसलों की बीमारी पता लगाने में मददगार होगा साबित। किसान घर बैठे ही फसल की बीमारी का लगा सकेंगे पता। बिहार के 9 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन, 18 से 29 अक्टूबर तक लगेगा रोजगार मेला। जाने कब, कहां और किस जिले में मेले का हो रहा आयोजन। पटना पायरेट्स ने कप्तान और उपकप्तान किया नियुक्त, 18 अक्टूबर से प्रतियोगिता में टीम का करेंगे नेतृत्व। लगातार 3 बार सफलता पाने वाली पटना पायरेट्स है एकमात्र टीम। सब्जियों के दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार की योजना, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण। किसानों को मिलेगी फसल की उचित कीमत। बिहार बिजली कंपनी में 4016 पदों पर बहाली, आज आवेदन की अंतिम तारीख। 1 नवंबर से 533 पदों पर आंतरिक बहाली होगी शुरू। आज एपीजे अब्दुल कलाम का है जन्मदिन, आज का ये दिन छात्र दिवस के रूप में होता है सेलिब्रेट। युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज का दिन है खास। 16 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज की हो रही शुरुआत, गौतम गंभीर ने कोहली की जमकर तारीफ की। जाने टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तकनीशियन अप्रेंटिस सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 307 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पद के मुताबिक 10वीं, 12वीं या ITI की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार कृषि विभाग द्वारा ई निरोग ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप फसलों की बीमारियों की पहचान करने और उपचार की सलाह पाने में किसानों की मदद करेगा, जिससे किसानों के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। ये ऐप AI के जरिए फसलों की पत्तियों को स्कैन करके बीमारियों का पता लगाता है, साथ ही फसलों को बचाने के लिए कई उपाय भी बताता है, जिससे किसान अपनी फसल को समय रहते सुरक्षित कर सकते हैं। किसान इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके फसल की देखभाल घर बैठे ही कर सकते हैं। इसकी मदद से अब किसानों को बार बार कृषि वैज्ञानिक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही उनके पैसे और समय दोनों बचेंगे। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 9 जिलों में श्रम संसाधन विभाग के नियोजन व प्रशिक्षण निदेशालय की पहल पर रोजगार सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन होने वाला है। मेले का आयोजन 18 से 29 अक्टूबर तक अलग अलग दिन आयोजित होगा, जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों की योग्यता रखने वाले युवाओं को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इसमें भाग लेने के लिए www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मेले में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को नवादा के सरकारी ITI परिसर में, 19 अक्टूबर को कोसी कॉलेज परिसर खगड़िया में, 21 अक्टूबर को सरकारी ITI बेगूसराय में, 22 अक्टूबर को बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर में, 23 अक्टूबर को इस्लामिया +2 हाई स्कूल शेखपुरा में, 24 अक्टूबर को होली मिशन स्कूल मोहनपुर रोड समस्तीपुर में, 25 को ITI रामनगर परिसर दरभंगा में, 28 अक्टूबर को वॉटसन +2 स्कूल मधुबनी में और वहीं 29 अक्टूबर को संयुक्त श्रम भवन सुपौल में मेले का आयोजन होने जा रहा है। आज भारत के प्रिय राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। आज का ये दिन यानी 15 अक्टूबर छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को प्रेरित करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा गरीबी और अंधकार से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी हथियार है। विश्व छात्र दिवस की शुरुआत डॉक्टर कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हुई, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दिन छात्र अपनी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचारों में शामिल है, सपने देखो, लक्ष्य बनाओ और कड़ी मेहनत करो, सफलता रातों रात नहीं मिलती।
राज्य के 76,000 स्कूलों की GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग होगी, जिसमें स्कूलों का नक्शा, क्षेत्र पर पहुंचने के रास्ते, जनसंख्या और शौचालय जैसी सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। ये योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार नक्शों के आधार पर शैक्षणिक स्थितियों की मॉनिटरिंग करेगी और जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान करेगी। GIS मैपिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर का पता चलेगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण और स्कूलों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2025-26 से सभी राज्यों में ये प्रक्रिया अनिवार्य की है। प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए पटना पायरेट्स ने शुभम सिंधे को कप्तान और अंकित को उप कप्तान नियुक्त किया है। ये दोनों 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व करेंगे, जो चौथी चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य रखती है। 26 वर्षीय शुभम सिंधे, जिन्होंने 100 से अधिक मैच खेले हैं, अपनी अनूठी डिफेंडिंग शैली और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। वहीं 25 वर्षीय अंकित, जो 23 से अधिक मैच खेल चुके हैं, अपनी स्फूर्ति और गति से टीम को मजबूती देंगे। पटना पायरेट्स के CEO पवन राणा ने कहा है कि टीम अपने प्रशंसकों के लिए बेहतरीन कबड्डी पेश करने के लिए तैयार है। पटना पायरेट्स 2016 से लगातार सफलताएं प्राप्त कर रही है और ये अब तक की एकमात्र टीम है जिसने 3 बार लगातार चैंपियनशिप जीता है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए छात्रों को एक बार फिर मौका दिया गया है। BCECB ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ओपन कर दिया है, जहां छात्र 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 3,412 सीटें खाली हैं। नामांकन JEE मेन के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। 17 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन में सुधार की प्रक्रिया होगी और 19 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फ्रेश स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं और जिन छात्रों ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे भी इस बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र स्पेशल काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे, वे भी इस राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बिहार सरकार द्वारा 7,90,85,27,000 रुपये जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष पहले भाग की तीसरे किस्त के रूप में सामग्री मद और प्रशासनिक मद में केंद्र सरकार ने 7.90 अरब रुपए बिहार को दिए थे, जिसे सभी जिलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आने वाले प्रमुख त्योहारों को देखते हुए विशेष तैयारी करते हुए कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं जॉब कार्ड बनाने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए जाए और ससमय मजदूरों को रोजगार दिया जाए, ताकि योजना तीव्र गति से पूरा हो सके। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही हल्की ठंडी शुरू हो गई है, जिससे लोगों ने एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और फ्रिज का उपयोग भी कम कर दिया है। हालांकि सर्दियों में फ्रिज को बंद करने की बजाय इसे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जा सकता है। इससे दूध, सब्जियां और पका हुआ खाना ताजा रहेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। अधिक ठंड या गर्म तापमान पर फ्रिज का तापमान सेट करना सही नहीं है, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। ठंड में फ्रिज का उचित तापमान बनाए रखने से ये लंबे समय तक सही काम करेगा, इसलिए फ्रिज को बंद करने की बजाय उसे सीमित तापमान पर चलाना अधिक फायदेमंद है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के वीडियो कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है, जो कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता की वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता है। इस फीचर को इनेबल करने पर उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल के दौरान रोशनी की कमी के कारण कोई समस्या भी नहीं होगी और वीडियो की गुणवत्ता शानदार रहेगी। ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन हर बार वीडियो कॉल पर इसे इनेबल करना होगा। इसे सक्रिय करने के लिए वीडियो कॉल के दौरान बल्ब के आइकन पर टैप करना होगा। पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी के लिए केंद्रीयकृत अनुश्रवण व्यवस्था यानी CMS 2 महीने में लागू की जाएगी। इससे जिला और राज्य स्तर पर ये जानकारी मिलेगी कि सोलर लाइट कब जल रही है और कितनी दिनों से खराब है, जिससे मरम्मत में तेजी आएगी। सभी स्तरों पर एक डैशबोर्ड पर सोलर लाइट की स्थिति देखी जा सकेगी और जिलों में TV स्क्रीन पर आम जनता भी अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सीएमएस के जरिए सोलर लाइट की जलने की अवधि, प्रकाश गुणवत्ता और बैटरी की स्थिति की जानकारी मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने बताया कि राज्य में मार्च 2025 तक 8.76 लाख सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 3,67,000 लाइटें स्थापित की जा चुकी हैं। बिहार के 15 जिलों के जिलाधिकारी 2 से 27 दिसंबर 2024 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में अनिवार्य मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण में 2012 से 2016 बैच के कुल 22 आईएएस अधिकारियों का समावेश है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों का ऑनलाइन निबंधन के लिए जानकारी दी है, जो 4 नवंबर 2024 तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान सरकार दूसरे अधिकारियों को जिलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपेगी। प्रशिक्षुओं में एक आयुक्त अनिल कुमार झा, खगड़िया के डीएम अमित कुमार पांडे, समस्तीपुर के डीएम रोशन कुमार कुशवाहा और कई अन्य शामिल हैं। ये प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान में वृद्धि करेगा। बिहार सरकार महंगी सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। सहकारिता विभाग के तहत 38 जिलों में सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 50 प्रखंड मुख्यालयों पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित होंगे, जिसमें प्रति स्टोरेज 1.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सब्जी उत्पादन समूहों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती सब्जियां मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि सब्जियों की महंगाई पर नियंत्रण हो और किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं के बीच तालमेल बढ़े। इसके अलावा हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए 29,000 योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। बिहार बिजली कंपनियों में नियमित बहाली के तहत 4,016 पदों पर बहाली होगी, जिसमें तकनीशियन ग्रेड 3 में 2,156 पद, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में 740 पद, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में 806 पद, स्टोर असिस्टेंट में 115 पद और सहायक व कनीय अभियंताओं में क्रमशः 86 और 113 पद शामिल हैं। आज आवेदन की अंतिम तारीख है। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bsphcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में बिजली कंपनियों में आंतरिक पदों पर बहाली होने वाली है। ये बहाली 533 पदों पर होगी। उम्मीदवारों का चयन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी एवं इसके अनुसंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मियों से परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत सहायक अभियंता के 58 पद, कनिया अभियंता के 214 पद और कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के 150 पदों पर भर्ती होगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गांधी संग्रहालय के बारे में। ये संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और देश के प्रसिद्ध गांधी स्मारकों में से एक है। यह स्थान महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों व भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको महात्मा गांधी के जीवन के कई चरणों की तस्वीरें दिखाई देंगी। इसके अलावा यहाँ आपको महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं और साहित्य व ऑडियो वीडियो सामग्री का समृद्ध संग्रह दिखाई देगा। यदि आप महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों को देखना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पटना मेट्रो के 4 स्टेशन जो मलाही पकरी से न्यू आईएसपीटी तक के 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है, दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। निर्माण एजेंसी डीएमआरसी के अनुसार न्यू आईएसपीटी 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकरी के स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी दिसंबर तक इंस्टॉल किया जाएगा। खेमनी चक्र स्टेशन जो ट्रैफिक और इंटरचेंज का केंद्र होगा, अभी इसका काम धीमा चल रहा है, लेकिन इसे मार्च 2025 तक पूरा करने की उम्मीद है। सिविल वर्क पूरा होने के बाद ट्रैक बिछाने और सिग्नल का काम शुरू होगा। मेट्रो डिपो का निर्माण भी तेजी से चल रहा है और इसे अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। ये डिपो बोगियों के रखरखाव और अन्य तकनीकी कार्यों का केंद्र होगा। प्रदेश में मॉनसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जल्द ही ठंड का मौसम दस्तक देगा। संभावना जताई जा रही है कि 25 अक्टूबर से ठंडे का मौसम दस्तक दे सकता है। हालांकि आज प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। आज मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी कोड जारी नहीं की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव के समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग का ध्यान अब झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। आयोग जल्द ही इन चुनावों की घोषणा कर सकता है। इसके लिए 16 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकारियों की ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी।
बिहार कैडर के 22 आईएएस अधिकारियों को इन राज्यों और दिल्ली विधानसभा के उपचुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों में शामिल हैं मानवाधिकार आयोग के सचिव राजेश कुमार, संग्रहालय निदेशक राहुल कुमार, कटिहार के बंदोबस्त अधिकारी नरेश झा और कई अन्य। इन अधिकारियों को चुनाव की तैयारी में मदद के लिए दिल्ली बुलाया गया है। ये कदम चुनावों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पटना वासियों की सुविधा के लिए इस महीने से सीएनजी और इलेक्ट्रिक सिटी बसों का परिचालन शुरू होगा। ये सीएनजी बसें और इलेक्ट्रिक बसें अटल पथ और गंगा पथ पर चलेंगी। कंगना घाट से लेकर आर ब्लॉक तक ये बसें रोजाना चलेंगी, जिससे चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए रूट से यातायात जाम में कमी आएगी और अस्पताल पहुँचने में तेजी आएगी। यात्री मरीन ड्राइव का खूबसूरत नजारा भी देख सकेंगे। नए बस रूटों से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये यात्रा सरल, सुलभ और किफायती होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना काम, स्कूल या अस्पताल जाते हैं। इसके अलावा ये रूट पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेगा। इस पहल के तहत नवाचार और उत्कृष्टता दिखाने वाले कर्मचारियों, पदाधिकारियों और किसानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। प्रमंडल स्तर पर नोडल अधिकारियों को 20 अक्टूबर तक कर्मचारियों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को समय पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की भी बात की गई है। राज्य की पहाड़ियों पर हरियाली बढ़ाने के लिए सीड बॉल्स का छिड़काव जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा डॉल्फिन संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने और आरा मिलों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अगले महीने समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मिशन 2025 के तहत जदयू आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कई में दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम की तारीखें जल्द तय की जाएंगी और जिला सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना है। जदयू का लक्ष्य है एनडीए के लिए 225 सीटें जीतना, जिसे सम्मेलन के दौरान बताया जाएगा। सम्मेलन में जदयू के पदाधिकारी, विधायक, संभावित प्रत्याशी और पार्टी से जुड़े कई अन्य नेता शामिल होंगे। इसके लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपलब्धियों की डेटा सीट तैयार की जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा होगा। सम्मेलन के दौरान ये तय किया जाएगा कि पार्टी को किस मुद्दे पर आगे बढ़ना है और वोटरों के पास कैसे जाना है। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 5 देश रत्न बंगला इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करने के बाद सम्राट चौधरी ने बंगले के सर्कुलर रोड की ओर खुलने वाले दरवाजे को बंद करने का निर्णय लिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस कदम पर तंज कसते हुए कहा कि ये दरवाजा जनता के लिए खोला गया था, जिससे वे अपनी समस्याएं लेकर आ सकते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस सरकार का परमानेंट दरवाजा बंद कर देगी। सम्राट चौधरी का ये कदम तेजस्वी यादव की आवास की निकटता को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वे इस दरवाजे से आवागमन करते थे। भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट बैंगलोर में आयोजित होगा। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की है, साथ ही आशा जताते हुए कहा है कि कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जारी रखेंगे। गंभीर ने कोहली को विश्व स्तरीय क्रिकेटर बताया और उनके डेब्यू के समय की यादें साझा की। इस साल कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में कोई अर्धशतक नहीं बनाया। वहीं टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट 16 से 20 अक्टूबर बैंगलोर में, दूसरा 24 से 28 अक्टूबर पुणे में और तीसरा 1 से 5 नवंबर मुंबई में होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1686 में मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था। आज के दिन वर्ष 1932 में टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड के नाम से देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1949 में त्रिपुरा को भारत में सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1997 में अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज के दिन वर्ष 1998 में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आज के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का वर्ष 1931 में जन्म हुआ था। कई लोगों को एक फर्जी ईमेल भेजा जा रहा है। इस ईमेल के कोर्ट ऑर्डर होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट ट्रैफिक के विरुद्ध अदालत के संदेश की जानकारी दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये ईमेल केवल फिशिंग स्कैम का एक तरीका है। किसी तरह के सस्पेक्टेड ईमेल पर आप cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी शेयर किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक कुमार, ऑप्शन बी है मनोज कुमार दुबे, ऑप्शन सी अजय सिन्हा, ऑप्शन डी है राजीव कपूर। इसका सही उत्तर है मनोज कुमार दुबे। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर है 3। किसे हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजय जडेजा, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी है सनत जयसूर्य, ऑप्शन डी है महिला जयवर्धने। इसका सही उत्तर है सनत जयसूर्य। बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए है 47 मीटर, ऑप्शन बी है 32 मीटर, ऑप्शन सी 48 मीटर, ऑप्शन डी है 72 मीटर। इसका सही उत्तर है 47 मीटर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है सुमित यादव, अंशु कुमारी, रामनवमी मांझी, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, नन्नू गोलू कुमार, विकी राज, विनय कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, नरेंद्र प्रसाद, गुनर शर्मा, राजा हीर किंग, प्रिंस कुमार, राजीव कुमार, रवि कुमार राम, अभिषेक विराट, ऋतु रॉय, रंजू कुमारी, बाबूलाल मरांडी, प्रमिला कुमारी, रवि शंकरन, चंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है, आज APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।